वेलकम टू मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता। फ्रेंड्स, आपने निश्चित ही बैंगन की बहुत सारी सब्जियां खाई होंगी, ट्राई करी होंगी, लेकिन आज आप हमारे साथ एक अनोखी और नई रेसिपी ट्राई करिए जो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। इसे हमारे यहाँ हैदराबादी स्टाइल बैंगन करी बोला जाता है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। हमने एक पैन लिया है और उसमें हमने जो भुनी हुई मूँगफली होती है वो ले ली है, और इसके साथ ही हम यहाँ पर जो डेसिकेटेड कोकोनट के लच्छे होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो मूँगफली का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है। और उसके बाद हमने 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा मूँगफली लेनी है, उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा उससे कम लेना है, और उसके बाद सबसे कम मात्रा सफ़ेद तिलों की रहेगी। फ्रेंड्स, ये 250 ग्राम बैंगन के हिसाब से रेसिपी है। यदि आपके पास ज़्यादा बैंगन है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने एक पैन में जो है सरसों का तेल ले लिया है, और इसमें हमको लंबाई में कटे हुए बैंगन को डीप फ्राई करना है। साथ में हम इसमें आलू का प्रयोग भी करेंगे, तो आलू को भी आप चाहें तो डालिए, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने मूंगफली और कोकोनट और सेशमी सीड्स को फ्राई किया था, उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो उस पेस्ट को हम इस सब्जी में बाद में यूज़ करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमको बैंगन को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, लेकिन लगभग हाफ़ डन हो जाए इतना कुक कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सभी ने यदि अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे और टेस्टी व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन डीप फ्राई हो गए हैं, अब हमने आलू भी डीप फ्राई करना है इसी तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें हमारी डीप फ्राई हो गई हैं। थोड़ा सा ऑयल कम हो गया है, तो इसमें से हल्का सा ऑयल हम बढ़ा लेंगे। इसमें हम मेथी दाना का यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेथी दाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये बैंगन के बालीपन को भी मारता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर करी लीव्स ली हैं, और साथ में 2 स्लिट कटी हुई हरी मिर्च ली हैं, 2 मीडियम आकार के प्याज को रफली चॉप्ड कर लिया है और वो डाला है, साथ में 7-8 चवा लहसुन को कूच के डाला है, कूच इन द सेंस कि जो है हाथों से किसी मैशर से कुचल लिया है, फिर डाला है, पेस्ट नहीं डाला है। इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इन सब मसालों को एक साथ में बहुत अच्छे से आपको भून लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की बैंगन की सब्जी है, कुछ कुछ हैदराबादी टच है, लेकिन इसको कुछ मैंने अपने वेरिएशन भी दिए हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, और 2 मीडियम आकार के टमाटरों का थोड़ा सा चॉपर में डाल के हमने चॉप्ड कर लिया था, और इसको डाल के इसको पकाना है, चाहे तो कवर करके पका लीजिए। फ्रेंड्स, मसाले को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मसाला अच्छा नहीं पका होगा तो आपके बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है, इससे बैंगन का कलर अच्छा आएगा, और अब हम इसमें 1 चम्मच सांभर मसाले का भी प्रयोग करेंगे, जो इसको थोड़ा सा साउथ का टच देगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। बहुत ज़्यादा सांभर मसाला मत प्रयोग करिए। और इसके साथ ही जो हमने पेस्ट तैयार किया था कोकोनट मूंगफली और सेसमी सीड्स का, वो डाल देंगे, और इसको अब कवर करके जब तक ये मसाला ऑयल रिलीज़ ना कर दे तब तक इसको हमको बहुत अच्छे से भूनना है। चाहे तो कवर कर दीजिए और चाहे तो बीच बीच में चलाते हुए इसको भून लीजिए। करीब 8 से 10 मिनट लगेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस स्टेज पर अदरक का एक छोटा टुकड़ा बारीक बारीक काट कर ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस सब्जी में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब इसमें हम अपने डीप फ्राई किए हुए बैंगन और आलू डाल देंगे, 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, और इसमें पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि आपके बैंगन और आलू अच्छे से पक जाएँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ी सी खटाई में इमली का पल्प यूज़ करेंगे। हमने इमली भिगो दी है, और 3 से 4 चम्मच इमली का पल्प यूज़ करेंगे, लेकिन ये पहले नहीं यूज़ करना है, जब हमारी सब्जी पूरी तरीके से बन जाएगी, वरना आपके बैंगन और आलू पकेंगे नहीं, क्योंकि खटाई जो है वो पकने की प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर देती है। अब इसको कवर करके हमको पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन लगभग तैयार हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर इमली का पल्प यूज़ करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बैंगन की सब्जी तैयार है, और ये ज़रूर ट्राई करिए, और फिर मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सभी ने हमारी ये रेसिपी देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।